Hey guys, how you all? I am Meena and welcome back to my channel. So thank you so much for like, share and your subscription. So guys, मुझे काफ़ी सारे DMs आए थे कि मैं आपके साथ में एक फैब्रिक एंड मिरर का जोकर आपके साथ में शेयर करूँ. सो बस आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मिरर जोकर. यू वॉन्ट बिलीव, ये जोकर इतना प्रिटी है कि पहनने के बाद में उसको कोई आपको कोई एक्सेसरीज पहनने की जरूरत नहीं है कि बिकॉज ये अपने आप में इतना हैवी है. एंड जो मिरर है वो वर्क में सबसे ज़्यादा हैवी डिटेलिंग है. इसका शाइन होता है मिरर का वो सबसे ज़्यादा है, सीक्वेंस बीच से सबसे ज़्यादा. तो वो बहुत ज़्यादा हैवी है. जब आप चोकर पहनते हैं तो वो पूरा फोकस आपका है वो यहीं जाने वाला है. सो आई थिंक मैंने ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया है बिकॉज बहुत सारे मेरे चैनल पे बिगनर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है. सो यू कैन यूज़ दिस डिज़ाइन एंड ग्रो योर बिजनेस एंड बेस्ट ऑफ लक इफ़ यू आर बिगनर, इफ़ यू हैव स्टार्टेड न्यू वर्क फॉर हैंडमेड एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू मेक अ करियर इन हैंडमेड ज्वेलरी. बहुत सारे गर्ल्स को बाहर जाने की परमिशंस नहीं होती है, सो दे कैन डू वर्क फ्रॉम होम एंड काफ़ी कम स्पेस एंड बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो. एंड अब तो बहुत सारे टेक्निक्स एंड बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो फैब्रिक ज्वेलरी के साथ में काम कर रहे हैं. लाइक मी, मैं फैब्रिक ज्वेलरी ही बनाती हूँ स्टार्टिंग से. जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया तब से मैं फैब्रिक ज्वेलरी बनाती हूँ. सो आई लव फैब्रिक ज्वेलरी. सो आई थिंक ये जोकर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है. इफ़ यू आर लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर पिक्चर इफ़ यू आर मेकिंग. एंड माई इंस्टाग्राम हैंडल इज वीना मालविया, यू कैन फॉलो मी देयर. सो काफ़ी सारी डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. एंड अबाउट द मटीरियल, मैं मटीरियल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं कहाँ से मटीरियल लेती हूँ. सो या लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम कार्डबोर्ड. वी नीड टू कट कार्डबोर्ड इन 4 pieces एंड द साइज इज 1.5 inches स्क्वायर. सो स्क्वायर का जो साइज है वो सब सारे साइज सेम रहते हैं. एंड देन उसको फैब्रिक से कोट करना है. फैब्रिक की कोटिंग करनी है या फिर फैब्रिक से इसको कवर कर देना है. जो भी आप फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर आपका फैब्रिक कॉटन बेस्ड होना चाहिए. मैं हमेशा मेरे वीडियोस में रिपीट करती हूँ ये चीज़ कि फैब्रिक कॉटन ही लो बिकॉज़ वो ज़्यादा ईजी है कॉटन के साथ काम करना. एंड कॉटन के काफ़ी अच्छे प्रिंट्स भी आते हैं. सो यस, मैं कलमकारी यूज़ कर रही हूँ और ये सारा मटेरियल है जो मैं इसके डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी. एंड इसको डेकोर करने के लिए मैं यहाँ पे जो ट्राइंगल मिरर है जिसका साइज़ है 1 inches और ये यहाँ पे स्टिक कर दूँगी फैब्रिक ग्लू से. डोंट यूज़ एनी हॉट ग्लू बिकॉज उसका जो एम्बॉस्ड वाला जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लाइक बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा. मिरर का जो स्पेस है वो विजिबल होगा. सो यहाँ पे आपको स्किप करना है हॉट ग्लू, यूज़ ओनली फैब्रिक ग्लू. एंड देन यहाँ पे बंचेस में मैं यहाँ पे घुंघरू स्टिच कर रही हूँ. घुंघरू स्टिच करने के लिए यहाँ पे स्विंग थ्रेड एंड निडल लेना है. एंड जो स्विंग थ्रेड है वो नॉर्मल स्टिचिंग वाला थ्रेड ही है. एंड जो निडल का साइज़ है वो है 9 number needle. एंड अगर आपको 9 number needle नहीं मिल रहा है, यू कैन गो फॉर 8. ये 8 का भी अच्छा है लेकिन आप बीट के साथ काम कर रहे हैं सो यू हैव टू गो फॉर 9 number needle बिकॉज वो ज़्यादा थिन है एंड उसका जो साइज़ भी है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है. सो वो इसलिए हेल्पफुल है. लेकिन अगर आप सिर्फ स्टिचिंग कर रहे हैं देन आप 8 number का निडल दे सकते हैं. एंड देन अब थ्रेड को पीछे से लॉक करना है. मेक श्योर सारे जितने भी पैचेस बना रहे हो उसमें लॉक करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आपने जितना भी काम किया वो सारा खुल जाएगा. एंड अगर आपने जैसे नॉट नहीं लगाया देन यू कैन अप्लाई फैब्रिक ग्लू ऑन द नॉट सो वो ड्राई होकर नहीं खुलेगी. देन वी नीड टू अटैच हेक्सागन कॉइंस. यहाँ पे आप अपना मटेरियल चेंज कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि मैंने हेक्सागन यूज़ किया है तो आपको भी हेक्सागन से ही लेना है. यू कैन यूज़ एनी अदर चार्म्स, लाइक आप एनिमल चार्म्स ले सकते हो, घुंघरू ले सकते हो, इवन चेन्स भी ले सकते हो. यूज़ योर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड जस्ट शेयर विद मी ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम का जो हैंडल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं. अगेन लॉक करके ही थ्रेड को कट करना है और ऐसे ऐसे आपको 4 patches बना रहे हैं. इसका साइज़ इनफ है. अगर आपने साइज़ छोटा लिया है तो आपको 5 patches लेने हैं. एंड देन वी नीड टू स्टिच 2 patches. अटैच करने के बाद
मेक श्योर आप इस पर ग्लू अप्लाई करें, बिकॉज वो कई बार उसका वेट ज़्यादा होता है देन वो खुल जाता है. सो यस, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है पहले, एंड लॉक करके ही थ्रेड को कट करना है. एंड ऐसे ही सारे चार पैचेस स्टिच करना है एक दूसरे से. यू कैन सी अब हम बैक फिनिशिंग करेंगे. काफ़ी लोगों ने पूछा था ये स्ट्राइप कहाँ मिलेगी. एक्चुअली वैक्स स्ट्राइप है जो हम हाथों के वैक्स करते हैं वो वाली है. ये नॉन वोवन है इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इसमें कैनवास यूज़ कर सकते हैं. बट कैनवास में प्रॉब्लम ये होती है कि वो निकल जाता है, एंड ये वाला जो है ये निकलेगा नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज ये नॉन वोवन फैब्रिक एंड बहुत लाइट वेट है इसका, तो निकलने के बहुत कम चांसेस हैं. सो ये बहुत अफोर्डेबल है, 20 या 30 रुपीज़ का एक पैकेट आता है जिसमें आपको शायद 100 स्ट्राइप मिलती है. सो दिस इज़ वर्थ फॉर यू, बिकॉज अगर आपकी अगर आप इसका जो कॉस्टिंग है अगर देखने जाए, बिकॉज इसमें थोड़ा काम भी ज़्यादा है, थोड़ा हैंडवर्क ज़्यादा है, देन आप इसका कॉस्टिंग ऐसे कम कर सकते हैं. सो यस, मेरा बैक फिनिशिंग कंप्लीट हो गया है. अब जस्ट चेन यहाँ पे अटैच करना है. अगर आपके पास में चेन नहीं है आप डोरी अटैच कर सकते हैं, एंड मार्केट में रेडीमेड डोरीज भी मिलती है. आप डोरी लेके भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं, यहाँ पे पीछे से आप इसको अटैच कर सकते हैं, एडजस्टेबल डोरी, यू कैन सी. सो लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड मैंने इसको पैरअप किया है ऑक्सीडाइज घुंघरू बैंगल्स के साथ में, एंड यू कैन सी ये स्टेटमेंट चोकर इतना सुंदर लग रहा है, यू वॉन्ट बिलीव. इसको पहनने के बाद में आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि वी नीड टू वेयर सम एक्स्ट्रा एक्सेसरीज एंड लाइक समथिंग ईयर रिंग एंड ऑल. ये इतना हैवी है सो आई थिंक पूरा नेक कवर हो जाता है. ये बहुत अच्छा लगता है. आप इसको एक प्लेन गाउन पे पहन सकते हैं, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इस पर रेड या सॉरी मरून या फिर आप ब्लैक टोन में कुछ पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. मैं इसका जल्दी एक पिक्चर शेयर करूँगी आपके साथ में. सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.